वास्तुशास्त्र का पर्पस क्या है. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग दिस. सोसाइटी वाले तो कच्चा चबा जाएंगे ताने मार मार करके. हाई एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल. सो आज की वीडियो होने वाली है Q&A वीडियो, जो कि रिलेटेड होने वाला है जो अभी हम लोगों ने रिसेंटली घर परचेस किया है उसके ऊपर. दिस वीडियो विल गोइंग टू बी अ लिटिल लॉन्गर देन यूजुअल. मैं चाह रही हूँ कि एक ही वीडियो में सब खत्म कर दें, हम पार्ट वन पार्ट टू नहीं बनाते हैं. सो ग्रैब अ स्नैक और कॉफी और टी और जूस और आराम से रिलैक्स होकर चिल होकर बैठिए. आई होप काफी लोगों को इससे हेल्प मिल जाए इस Q&A सेशन से. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मैं आराम से एकदम नीचे बैठी हुई हूँ फैल करके. सो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई वी सिलेक्टेड मुंबई ओवर भोपाल, इंदौर, पुणे फॉर आवर होम. हम लोगों ने मुंबई क्यों चूज किया? इससे पहले हम और भी जगह हम कंसिडर कर रहे थे, जैसे हम भोपाल कंसिडर कर रहे थे, हम इंदौर कंसिडर भी कर रहे थे. कि का तो डे वन से उसका ड्रीम बोल लो या जो भी बोल लो, उसको ये था कि मुंबई में ही लेना है घर, जहां रह रहे हैं वहां लेना है. पहले तो मुझे बहुत घर लेने का था भी नहीं, सच बता रही हूँ. मेरे तरफ से बिल्कुल भी पुश नहीं हुआ है, विक्की को कोई मेंटल मैंने सपोर्ट नहीं दिया है कि हाँ हाँ हमको घर लेना चाहिए. सच बता रही हूँ, स्टार्टिंग में मैं बहुत ज्यादा उल्टा पीछे अपने आप को खींच रही थी कि यार अभी क्यों लेना है. मैं भोपाल में भी देखा, हम लोग कोई भी चीज सिलेक्ट करते हैं ना तो हम दोनों बैठ जाते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करने, कॉपी पेन लेकर के या हमारा आईपैड लेके हम उसमें सेक्शंस बनाते हैं और हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं. हम जो भी कर रहे होते हैं, चाहे हम घर कर रहे हैं, हमने तब भी वही किया है. हम रेंट पे घर लेते थे, हम तब भी वही कर रहे थे. हमने पूरा कार्पेंटर वर्क करा, हमने उसमें भी यही काम किया. हम कंपैरिजन करते हैं, आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है. तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि हम वहां पर अगर घर लेंगे भी और कल को हमको उसमें रहना भी होगा तो हम रह पाएंगे. वो सिर्फ एक रेंट पे जाने वाली चीज हो जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स के, विक्की के पेरेंट्स का घर है और हम अलग रह रहे होंगे तो सोसाइटी वाले तो कच्चा चबा जाएंगे ताने मार मार करके कि बहू देखो अलग. वो सब यू नो टायर टू सिटीज में सब बहुत ज्यादा होता है. ऑलरेडी दोनों के पेरेंट्स का घर है वहां पर, तो अलग से मुझे वहां पर इन्वेस्ट करना भी सही नहीं लग रहा था. रीजन उसका ये है कि अगर हम इन्वेस्ट कल को कर भी देंगे, हमारा पैसा वहां फंसा देंगे, तो हमको वहां पे रेंट नहीं मिलेगा. 2 BHK का वहां मैक्स टू मैक्स जो मेन सिटी का रेंट है ना, वो 10,000 से 12,000 रुपए है. आप कितना भी मॉड्यूलर फर्निश्ड कैसा भी घर दे दो, 10 से 12,000 से अगर कोई नहीं देता है और थोड़ा सा भी आउटर एरिया में चले जाओगे तो 7, 8, 9,000, 10,000 कैन. तो रेंट जो है 2 BHK की बात कर रही हूँ, मैं इससे बड़े घर की बात कर रही हूँ. 1500-1600 स्क्वायर फीट के घर का रेंट वहां पर 10 से 12,000 रुपए है, जो कि बहुत कम है अगर हम इन्वेस्टमेंट पर्पज से सोचे तो. तो हमने सबसे पहले क्रॉस किया भोपाल को. अब आते हैं इंदौर की बारी. हमको ये भी लग रहा था कि इंदौर में भी अगर हम ले लेंगे तो ऑब्वियसली वो भी एक इन्वेस्टमेंट पर्पज से ही हो जाएगा, हम उसमें रह नहीं पाएंगे. कि फैमिली दोनों की भोपाल में रह रही है, हम इंदौर में जाकर के रहने लगे, जॉब मुंबई में है, तो अगेन वो जो कनेक्शंस है ना वो जुड़ नहीं रहे थे. लास्ट आता है ऑप्शन मुंबई का. डेफिनेटली मुंबई में भी घर लेने के प्रोज अलग हैं, कॉन्स अलग हैं. मुंबई में लेने के काफी सारे हम लोगों ने प्रोज नोटिस करे. यहाँ पर हमको वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ते हैं, तो आगे नियर बाय जब भी हम इसको सेल करेंगे तो हमको एक वैल्यू अच्छा मिलेगा. दूसरी चीज, हमको यहाँ पे रेंट अच्छा मिलेगा. तीसरी चीज, क्योंकि यहाँ जॉब कर रहे हैं तो हमारा जो एक रेंट हम अमाउंट दे रहे हैं वो रेंट हमारा बच जाएगा. विक्की को अगर ऑप्शन दिया जाए किसी मेट्रो में सेटल होने के लिए तो ही ओनली प्रेफर मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मेरे पास आया था, इवन जब मैंने घर के वीडियोज भी बनाए हुए ना, पूजा वाला वीडियो डाला, सबसे ज्यादा जो कमेंट पे लाइक्स आए वो ये कमेंट है, व्हाट ऑल वास्तु टिप्स यू हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल परचेसिंग होम. कैन यू मेक अ वीडियो ऑन वास्तु टिप्स फॉर होम सॉल्यूशन, होम सिलेक्शन व्हाइल बाइंग. मैं थोड़ा लंबा आंसर देना पसंद करूंगी इसका. आई थिंक मैंने आज तक कभी अपने चैनल पे ये डिस्क्लोज नहीं किया. मैंने बहुत बार, काफी पहले मैंने कुछ चीज अपडेट करी थी कि आई एम लर्निंग समथिंग. मैं किसी चीज की वर्कशॉप अटेंड कर रही हूँ, मैं कुछ क्लासेस अटेंड ले रही हूँ जो मैं बहुत टाइम से लेना चाह रही थी. किसी ने ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा था, किसी ने 3D एनिमेशन, किसी ने होम इंटीरियर, ऐसे ऐसे आंसर्स दिए थे, बट नन ऑफ देम सिलेक्टेड राइट. मैं आपको बताती हूँ, ऑलमोस्ट 5 months का वास्तु का कोर्स किया हुआ है, वास्तु सीखा है मैंने. काफी टाइम हो गया उस चीज को, 2 से 3 महीने हो चुके हैं. मैं भोपाल में रीजन में ये काम कर रही थी, ये मैंने कहीं डिस्क्लोज नहीं किया था. वास्तु मुझे हाउ काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है. ऐसे वीडियो सजेशन में आ जाते थे, आप ऐसा कर लो तो ऐसा हो जाएगा, आप ये कर लो तो वो हो जाएगा. तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था कि क्या है, मतलब क्या एक्चुअली में वास्तु है, क्या वास्तुशास्त्र है, क्या चीजें हैं. तो आई टुक अ प्रॉपर ट्रेनिंग. आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम डिस्क्लोजिंग दिस. तो मैंने इसलिए वास्तु नहीं सीखा है कि मुझे वास्तु कंसल्टेंट बनना है या इससे मुझे अब पैसा कमाना है. मैंने इसलिए सीखा है, जो मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी थी ना कि
कैसे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो ना अभी मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगी, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द वास्तु, जो भी सिखाते हैं, जो वास्तु शास्त्र करते हैं, उनका रिस्पेक्ट करते हुए मैं आपको एक दो पॉइंट्स वास्तु के बारे में बताना चाहती हूँ कि बेसिकली ना जो मैंने समझा है, जो मुझे समझाया गया है कि वास्तु, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि वास्तु बेसिकली है क्या, वास्तु शास्त्र है क्या। वास्तु इज अ वैदिक वर्ड जिसका मतलब होता है वास निवासा, वास निवासा इसका मतलब होता है एक रहने योग्य स्थान। तो ये जो वास्तु विद्या, इट्स अ वेरी बिग थिंग, आप 6 महीने छोड़ो आप 2 साल में भी नहीं सीख सकते हो, इट्स दैट बिग, इतना ह्यूज, इतना ह्यूमंगस है। लेकिन मैं शॉर्ट में और लेम इन लैंग्वेज में आपको बताना चाहूंगी, शास्त्र लिखे गए हैं उसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। पहले के टाइम के लोग जो होते थे वो घर लेते थे, तो वहां पर एक एक साल दो दो साल तक उस जगह पर रहते थे जस्ट टू सी, वहां पर मिट्टी की जांच करी जाती थी, विंड की जो डायरेक्शन है वो देखा जाता था, वहां पर प्लांट्स किस तरीके के लगे हुए हैं, वहां पर जमीन का स्लोप किस तरीके का है कि पानी घर में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, ट्रीज कैसे लगे हुए हैं आसपास, उनकी शैडो किस तरफ आ रही है, मतलब इस तरीके से पूरा एक इंस्पेक्शन होता था। कि पहले टूल्स नहीं होते थे तो जो ह्यूमंस है वो खुद ही रह करके वहां पर पूरा स्टडी करते थे। एंशिएंट वास्तु विद्या क्या 3 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करती है, वो ये डायरेक्शंस नहीं बताती कि आपका नॉर्थ फेसिंग गेट होना चाहिए या आपका साउथ फेसिंग गेट होना चाहिए या ईस्ट फेसिंग गेट होना चाहिए, वेस्ट फेसिंग गेट होना चाहिए। ये 3 आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, सुख दर्शन, भोग्यादम एंड रम्या। इनका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। सुख दर्शन का मतलब होता है ब्यूटिफुल एंड प्लीजिंग टूवर्ड्स आई, जैसे कोई घर आपको देखने में अच्छा लगा, आपकी आंखों को अच्छा लगा, इसका मतलब होता है सुख दर्शन। नेक्स्ट होता है भोग्यादम, इसका मतलब होता है यूटिलिटी, कोई चीज आप परचेस कर रहे हो या घर परचेस कर रहे हो आपकी जरूरत को पूरा करता है या नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि है रम्या, इसका मतलब होता है इनर डिलाइट और सेटिस्फेक्शन, जिसका मतलब होता है आप जो चीज ले रहे हो, जहां आप रहने जाने वाले हो, किसी चीज को देख करके आप अंदर से कितना पीसफुल महसूस कर रहे हो या फिर फीलिंग फुलफिल्ड, मतलब सेटिस्फाइड। आपने घर परचेस कर लिया, अब आप पूरे टाइम अंदर से यही सोच रहे हो, अरे यार इसमें ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, इट सेटिस्फेक्शन की एक फीलिंग आना चाहिए। तो दैट इज द हाउस आपको वो परचेस करना है। एक ही टाइम पे जब आप खुद से घर बनाते तो उसमें आप ये सब चीजें कर भी सकते थे कि आप इस डायरेक्शन में ये सब बना दो। अभी आप बिल्डिंग्स में रह रहे हो, आप इस चीज में घुसोगे ना तो ये इतना ज्यादा इन डेप्थ है। स्टेबिलिटी एंड पीस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ, मतलब आपको अगर आपके पास सब कुछ होगा एंड सब कुछ बैलेंस्ड होगा तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, पीस मिलेगा एंड स्टेबिलिटी मिलेगी लाइफ में। तो स्टेबिलिटी एंड पीस को बैलेंस करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। एक है प्राणा, जिसको बोलते हैं योग विद्या, जो कि आपके बॉडी को, माइंड को और आपकी ब्रेथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। शास्त्र में विद्या बताई गई है वो है आयुर्वेदा, बॉडी को मेंटेन करने का शास्त्र पूरा दिया गया है आयुर्वेदा में। एंड नेक्स्ट आते हैं वास्तु शास्त्र, एक अच्छा सूटेबल एनवायरमेंट फॉर गुड हेल्थ। हमें बात करते हैं कि वास्तु शास्त्र का पर्पस क्या है। फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव लिविंग एनवायरमेंट फॉर गुड हेल्थ एंड स्टेबिलिटी इन लाइफ। वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग आपके घर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके घर में एक अच्छा वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए, आपके घर में नेचुरल एलिमेंट्स होना चाहिए, थोड़े बहुत प्लांट्स होने चाहिए, यू नो आप जो भी चीज आपको नेचर से कनेक्ट करती है वो चीजें अगर आप घर में, आपके घर में प्रेजेंट है या आप उस तरीके का एनवायरमेंट बना लें, ऑटोमेटिकली आपके घर में बहुत पॉजिटिव वाइब्स आने लगेंगी, आपको बहुत पॉजिटिव फील होने लगेगा। को इससे पहले यही पता था कि नहीं नहीं डोर ओपनिंग इस डायरेक्शन में होना चाहिए, नहीं नहीं ये इस डायरेक्शन में होना चाहिए, मुझे भी ऐसे ही लगता था, आई वॉज फोकस, नहीं किचन इस डायरेक्शन में होना चाहिए, हर जगह मैं कैमरा स्केल लेकर के पहुंच जा रही थी ये चेक करने के लिए। मेरे पास जैसे मैसेजेस आता है कि यार हमको एक घर पसंद आ रहा है बट उसका डोर फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन है, मैं लिटरली उनको यही बोलूंगी कि जिस अगर आपको फील होता है ना, आपको जो 3 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताया, आपको फील हो रहा है कि इट इज प्लीजिंग टू आईज, इट्स ब्यूटीफुल, आपको अच्छा लग रहा है वहां पे, आपको पीसफुल लग रहा है, पर्पस में एकदम फुलफिल कर रहा है एंड आप बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, गो फॉर इट। डोंट गेट इन टू दिस कि यार डोर कैसा है, ये कैसा है। बीके शिवानी जी को कोई फॉलो करता है नहीं करता, आई डोंट नो, मैं फॉलो करती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक वीडियो में, वास्तु का आजकल बड़ा एक फैशन सा चल उठा है, हायर कर रहे हैं, जिनके घरों में एकदम प्रॉपर 100% परफेक्ट वास्तु है, क्या उनके घरों में लोग बीमार नहीं पड़ते, क्या उनको फाइनेंशियल क्रंच नहीं होता, क्या उनको टेंशन नहीं होता, क्या वो रोते नहीं है घर पे, क्या उनको कभी कोई दिक्कत नहीं होती, सबको सब प्रॉब्लम्स होती है। सो इट इज जस्ट अ बेस, उसके ऊपर की वाइब्रेशंस, एनर्जीज, आप घर का माहौल क्या क्रिएट कर रहे हो वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है और आपके घर में रह रहे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। एक और चीज बोलना चाहूंगी कि मैं किसी भी वास्तु कंसल्टेंट की इंसल्ट नहीं कर रही हूं, नहीं मैं उनको ये बता रही हूँ कि वो गलत है, ये मेरी समझ है जो मैंने अभी तक समझा, जितने भी मैंने ट्रेनिंग्स ली, वर्कशॉप्स लिए, बड़े बड़े आचार्यों से जो मैंने वर्कशॉप लिया उससे जो मैंने समझा, खुद का भी दिमाग लगा के जो मुझे लगता है, मैंने 2-3 वर्कशॉप्स ऐसी भी अटेंड करी जो बहुत ही ज्यादा ब्लंडरी तरीके से गलत थी, मुझे लगता है कि
बहुत गलत बताया गया है, इस तरीके का नहीं होता होगा, तो वैसे भी अटेंड करी, बट ठीक है, सबका अपना अपना सोच और अपनी अपनी समझ से वो चीजें करते हैं। बहुत ही ज्यादा मैंने बड़ा आंसर दे दिया है, बट आई थिंक ये मच नीडेड था, क्योंकि इतने सारे वीडियोज में नीचे सेम कॉमेंट आ रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि एक डाउट क्लियर करूं आपका कि मैंने क्या सोच करके घर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाना वाला है, हाउ बोथ ऑफ यू मैनेज योर फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। ये काफी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, कुछ लोगों ने तो फिगर्स मांगे जो कि हम नहीं देने वाले हैं, हमने लोन कितना लिया है वो भी हम नहीं बताने वाले, ये बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया है। मैं आपको बस इतना बेसिक चीजें ये बता सकती हूँ कि हाउ वी आर मैनेजिंग, वी बोथ आर वर्किंग, एंड विक्की का जो सैलरी है वो अपना अलग से सेव करता है अपने अकाउंट में, और मेरा जो सैलरी आता है, जो भी अमाउंट आता है, वो मैं अलग सेव करती हूँ अपने अकाउंट में। सो फॉर डाउन पेमेंट वी बोथ हैव गिवन द सेम इक्वल अमाउंट। उसके बाद हमारा ये डिसाइड हुआ था कि ईएमआई जो है वो, क्योंकि विक्की इज गेटिंग अ फिक्स्ड सैलरी, उसकी एक फिक्स सैलरी आती है, और मेरी जो सैलरी आती है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होती है, जैसे कि क्योंकि फिक्स सैलरी आती है, तो ही विल कंटिन्यू विद द ईएमआई वाला थिंग, एंड आई विल कंटिन्यू विद द होम डेकोर, इंटीरियर सेक्शन, फर्नीचर परचेस करना है, क्योंकि एक सैलरी पे इतनी चीजें नहीं हो सकती है। डेफिनेटली अगर वो सिर्फ वर्किंग होता और मैं नहीं कर रही होती, तो शायद अभी हम घर लेने में भी थोड़ा डिले करते ही करते, बिकॉज एक सैलरी पे आप इतनी सारी चीजें बर्डन नहीं दे सकते हो एक इंसान को। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल यू सजेस्ट टू गो फॉर आईकिया फर्नीचर और कारपेंटर वर्क। डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है और आपको कितना लॉन्ग लास्टिंग फर्नीचर चाहिए। मैं अभी भी यही बोलूंगी कि आईकिया के जो फर्नीचर्स हैं, आप छोटे मोटे फर्नीचर में इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक आप थोड़ा मोटा टेबल ले लो, चेस्ट ऑफ ड्रॉ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, वार्डरोब भी आपको मन है तो ले लो, बट पर्सनली हम लोगों को वार्डरोब्स वगैरह, क्योंकि हमको कस्टमाइज करवानी थी, तो हमको आईकिया के फर्नीचर पे नहीं जाना था फॉर वार्डरोब, बेड, सोफा, एंड जो भी ऐसे कोर चीज़ें होती है ना, उसमें हमको, क्योंकि आइकिया के फर्नीचर में वाटर प्रूफ प्लाई मिलती है कि नहीं मिलती, आई एम नॉट श्योर, बट हम लोगों को अच्छा काम करवाना था, इसलिए हम लोग कार्पेंट्री वर्क पे गए। और हाँ, जो बेसिक छोटी मोटी चीज़ें हैं ना, जैसे चेस्ट ऑफ ड्रॉर हो गया, टेबल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, डाइनिंग टेबल वगैरह, ये आप ले सकते हो, इवन आप सोफा भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो आइकिया का। डिपेंड करता है, पर्सनल चॉइस पर डिपेंड करता है, और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है उस पर भी डिपेंड करता है। हाउ हार्ड इट वॉज फॉर यू टू डिसाइड टू बाय द हाउस इन मुंबई, इट वॉज वेरी वेरी हार्ड। हम बहुत बैक एंड फोर्थ हुए हैं इस डिसीजन पे आने पर भी, मतलब जिस दिन हम बुकिंग अमाउंट दे रहे हैं उसके एक दिन पहले तक भी हम श्योर नहीं थे कि हम मुंबई में ले रहे हैं घर। आप सोचो इतने खतरनाक लेवल पे हमारा जो डिसीजन है वो ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा था। मेरी मम्मी को तो लिटरली शॉक लगा था जैसे ही मैंने उनको ये बताया कि हम बुकिंग अमाउंट दे के आ गए, क्योंकि एक दिन पहले तक हम यही बोल रहे थे कि हम नहीं ले रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी, बहुत सारे थॉट्स दिमाग में आ रहे थे, नेगेटिव भी बहुत आ रहे थे। डिड थिंग्स गो अकॉर्डिंगली हाउ यू प्लान्ड, और देयर वर प्लान बी विच वर्क्ड आउट, और यू प्लान्ड न्यू। भाई मुझे खुद को ही नहीं पता कि हमारा कौन सा प्लान चल रहा है, बिकॉज वी लिटरली चेंज प्लान्स लाइक फट से, मतलब ऐसे चेंज करती हूँ मैं। एक चीज मेरी बहुत अच्छी है कि आई हैव सो मेनी बैकअप प्लान्स, मतलब मैं तुरंत सोच लेती हूँ कि इसके पीछे क्या होने वाला है। जैसे इफ यू आस्क मी कि यार तुम्हें यूट्यूब बंद करके कुछ और तरीके से कमाना पड़ेगा, तो आई हैव एटलीस्ट 4 to 5 प्लान्स बैकअप में। तो ऐसे ही जब हम कुछ भी प्लान बना रहे होते हैं ना, तो उसके पीछे हमारे पास एक बैकअप प्लान जरूर होता है, 1 to 2 प्लान होते हैं कि अगर वो भी फेल हो जाए तो हम नेक्स्ट और प्लान अचीव कर सके। तो हमारे तो बहुत सारे फेल हुए, नए बने, फेल हुए, नए बने, बहुत सारे बने हुए हैं, बट हाँ, जो हमारा प्लान था उस तरीके से नहीं किया हमने, बहुत सारे चेंजेस आए हैं हमारे प्लान्स में। लेकिन जो विक्की का इनिशियल प्लान था कि मुंबई में घर लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, वो उसका फुलफिल हुआ है भाई। वो हाउ डिड यू हैंडल द फाइनेंस एज यू टुक लोन एंड देन फर्नीचर एंड ऑल स्टफ। सो आई टोल्ड यू कि फाइनेंस वाला मैंने बता दिया, हमने डाउन पेमेंट किस तरह से दोनों ने इक्वल इक्वल अमाउंट पे वो कर दिया था। तो एक चीज हमको बहुत बेनिफिट करी है, जो हम ये क्विकली यहाँ से परचेस करके हम जो भोपाल निकल गए ना, उसमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारा जो रेंट जा रहा था उतना अमाउंट हमारा बच गया, उसके ऊपर हमको जो हम जितना रेंट दे रहे थे उतना रेंट अब हमको मिल रहा था, तो वो दो अमाउंट हमारे पास एक्स्ट्रा हो गए। उसके बाद हम जब भोपाल गए तो वहाँ पर भी इतने खर्चे आपके होते नहीं है, खाना पीना हम सब ऊपर कर ही रहे थे, तो काफ़ी सारा जो हमारा सेविंग है ना वो एक थोड़ा स्ट्रीमलाइन हो पाया, नहीं तो शुरू के 4-5 मंथ्स हमको बहुत दिक्कत आती। इसलिए भी वो एक अच्छा डिसीजन था भोपाल जाने का भी, वो जो भी सब चीज़ें हुई वो सब अच्छे के लिए ही होता है इन शॉर्ट बताऊँ तो। तो वहाँ पर जब मैं जब तक वहाँ पर रही तब मैं अच्छे से प्लान कर पा रही थी अपने फाइनेंसिस भी कि मुझे कितना रखना है इंटीरियर के लिए एंड ऑल दैट, और वो सब चीज़ें हो पाई। डिड इट एवर कम टू योर mind that should we buy home in Bhopal and live on rented flat in metro? यार वही हो रहा था कि भोपाल में हम फ्लैट ले लें और यहाँ पर रेंट पे रहें, तो उधर पे भी हमारा पैसा लग गया पूरा पूरा,
और इधर पे रेंट दे रहे हैं, और यहाँ मुंबई की एक चीज है कि हर साल 10% रेंट बढ़ता है, विच इज अ ह्यूज अमाउंट. आपका एक मतलब आपके पॉकेट पे बर्न नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है, आपने अपने फर्नीचर में कौन सा मटेरियल यूज किया है. तो हम लोगों ने जो मटेरियल यूज किया है किचन में, हम लोगों ने एक्रेलिक यूज किया है. शीट्स जो है ऊपर से जो फिनिश आई है वो एक्रेलिक की आई है. अंदर जो प्लाई यूज करी है वो हम लोगों ने मरीन प्लाई यूज करी है. लोन एंड डाउन पेमेंट का रेशियो क्या होता है, तो एज पर माई नॉलेज लोन एंड डाउन पेमेंट का रेशियो होता है 70% तक आपको लोन मिलता है एंड 30% आपको डाउन पेमेंट देना होता है. अब जितने भी अमाउंट का घर है आप वो कैलकुलेट कर लीजिएगा. उसके बाद है, व्हाट वुड बी द आइडियल परसेंटेज ऑफ लोन टू बी टेकन एंड हाउ मच परसेंटेज सेविंग्स शुड बी डन. यार ये ना आइडियल परसेंटेज ऑफ लोन कोई डिफाइन नहीं कर सकता, सबके लिए डिफरेंट होगा. 50, 60, 70 वो जरूरत के हिसाब से आप लोन लेते हो, तो उस पे आइडियल परसेंटेज तो मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगी. उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ टू सेव फॉर होम. हम लोगों ने ऐसे पर्टिकुलरली सेविंग अलग से होम के लिए नहीं किया है. पहले मैं आपको बताती हूँ, इनिशियल डेज में व्हेन वी वर मैरिड ना, तो हम क्या करते थे, तब तक तो आई स्टार्टेड अर्निंग फॉर 3-4 months ही मैंने अर्न किया है. उसके बाद आई टुक ब्रेक फॉर 2-3 months एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन डांस क्लासेस. मतलब मैंने फ्री कभी नहीं बैठी हूँ मैं, कि मैं पैसा नहीं कमा रही हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ करना होता ही है. मतलब एक वो होता है ना, जब पैसा आना स्टार्ट हो जाता है ना तो आप रुक नहीं सकते हो, आपको अपनी खुद की पर्सनल खर्चे के लिए आप कुछ ना कुछ कर ही लेते हो. तो आई स्टार्टेड माई डांस क्लासेस एंड उधर से भी मुझे बहुत तो नहीं अर्निंग होती थी, बट एक छोटा मोटा मेरा खर्चा निकल जाए उतनी आराम से अर्निंग हो जाती थी, और मैं अपने खर्चे के साथ साथ छोटी मोटी घर का सामान ले सकती हूँ, तो इतनी मेरी अर्निंग होती थी. तो हम लोगों ने क्या करके रखा था, आई हैव 4 bank accounts. जैसे एक जो बैंक अकाउंट है जिसमें विक्की और हम दोनों हमारी सेविंग्स उसमें कर रहे थे, दोनों डाल रहे थे. उसमें ना हमको कुछ ऐसा वर्थफुल नहीं लग रहा था, हमको कुछ भी घर का खर्चा भी निकालना होता था तो हम उसी अकाउंट से निकालते थे. फ्रिज खराब हो गया उसी से ले रहे हैं, वॉशिंग मशीन खराब हो गई उसी से ले रहे हैं, तो ना वे ऑफ सेविंग हमको सही नहीं लगा. एंड व्हाट वी डिसाइडेड इज, उसने अपनी अलग सेविंग करना स्टार्ट करी, मैंने अपनी अलग सेविंग करना स्टार्ट करी. सो आई हैव 4 accounts जिसमें से एक अकाउंट जो है वो कॉमन है, वो भी यूज करता है, मैं भी यूज करती हूँ. उसमें से सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं इस तरीके के, जो मार्केट इन्वेस्टमेंट होता है, मैं बहुत ध्यान नहीं देती. मैं कभी कभार मंथ में एक आध बार ओपन करके देखती हूँ, क्योंकि मैं चेक जरूर करती हूँ ट्रांजेक्शन. उसके बाद मेरा एक प्राइमरी अकाउंट है जिसमें मेरा पूरा यूट्यूब से रिलेटेड, ब्रांड कोलैबोरेशन से रिलेटेड पेमेंट आता है. उसमें से मैं थोड़ा सा अमाउंट निकालती हूँ, और अपना एक मैंने अकाउंट बना के रखा हुआ है, उसमें मैंने सेविंग कर रखी हुई है अपने इमरजेंसी फंड के लिए. जो मेरा चौथा अकाउंट है उसमें बहुत छोटी सी सेविंग करती हूँ मैं, छोटी सी मतलब बिल्कुल छोटा छोटा अमाउंट निकाल के उसमें डालती हूँ. जैसे 2000 डाल दिया, कभी एक्स्ट्रा आ गए तो 3000 डाल दिया, ऐसे बिल्कुल कम कम अमाउंट डालती हूँ. माई गोल्ड अकाउंट, तो आई एम अ डेंटी ज्वेलरी लवर, मुझे डे टू डे लाइफ की जो ये क्यूट क्यूट ज्वेलरीज होती है वो लेना पसंद आता है. तो मैं उस अकाउंट में अपनी ज्वेलरी के लिए बोल दो, या फिर जैसे कभी कैमरा वैमरा खराब हो जाए तो कैमरे का आपको लेना पड़ेगा. मतलब एक एक्स्ट्रा सेविंग है वो, जो मेरे काम के लिए, जैसे घर के लिए रिलेटेड भी कुछ चीजें नहीं आती है. नाउ द नेक्स्ट प्राइमरी अकाउंट जो है उसमें ही मैं घर से रिलेटेड भी सेविंग करती हूँ. सो दिस इज हाउ आई मैनेज. विक्की कैसे मैनेज करता है वो ही जानता है. हम दोनों एक दूसरे के फाइनेंसिस में बहुत इंटरफेयर नहीं करते हैं, पता है सबको सब कुछ, मुझे पता है. मेरे को मेरे जो भी पासवर्ड्स हैं वो है, वो मैंने उसको जगह बता के रखी है कि यहाँ पर रखे हुए हैं, ऐसी मुझे उसके सारे पासवर्ड्स एंड वट एवर द थिंग्स आर, मुझे पता है कि हाँ इस जगह पर ये रखे हुए हैं, अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो वी कैन लुक इन टू इट. अंडर कंस्ट्रक्शन कर लेना बेटर है या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, या ये भी अगेन पूरा पता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटीज एंड आपके चॉइसेस, आपका कंडीशन कैसा है, आप क्या सोच के घर ले रहे हो. कि कुछ लोगों को अंडर कंस्ट्रक्शन घर परफेक्ट लगता है कि हाँ ठीक है, 2-3 साल बाद हमको शिफ्ट होना है, हम अंडर कंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, अमाउंट वाइज भी सही पड़ता है. कुछ लोगों को रेडी टू मूव इन लेना होता है, लेकिन हमारे केस में रेडी टू मूव इन हमको चाहिए ही चाहिए था. सो डिपेंड करता है, वो भी पर्सन टू पर्सन. आर यू प्लेइंग विद योर ओल्ड फर्नीचर? डेफिनेटली आई एम प्लेइंग विद माई ओल्ड फर्नीचर. मैं 2-3 चीज़ों को रिफर्बिश करवा रही हूँ, जैसे हमारा बेड हो गया, जैसे हमारे बेड साइड टेबल्स हो गए, इसको मैं रिफर्बिश करा रही हूँ. नया क्यों खरीदना जब आप ओल्ड चीज़ों को नया कर सकते हो कम पैसों में, तो वो कर रही हूँ मैं. है, How did you manage to transport your plants that too so many from one place to another, that too in this heat? Any tips for this? Okay, तो इसके ऊपर भी मैं एक बहुत लंबा सा आंसर देना पसंद करूंगी. तो मैं आपको बताती हूँ, आई डोंट नो, थोड़ा अजीब सा आंसर ना हो जाए, बट मैं अपना कंसेप्ट और मेरी मैंटेलिटी और मेरी थिंकिंग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. सो आई बिलीव इन एनर्जीज अ लॉट, लाइक अ लॉट. एग्जाम्पल, कोई इंसान खड़ा हुआ है और मैं खड़ी हुई हूँ, वो इंसान बहुत हंस बोल रहा है, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, लेकिन मुझे अगर उसके ऊपर से अच्छी एनर्जीज और वाइब्रेशंस नहीं आ रही है ना, सो आई विल यू नो कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम दैट पर्सन. सो आई बिलीव इन एनर्जीज. जब मैं ये प्लांट्स को शिफ्ट कर रही थी ना, तो मेरे को सब लोग यही बोल रहे थे,
बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, तुम्हारे प्लांट्स मर जाएंगे, तुम्हारे प्लांट्स मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे. मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी ना जब वो ऐसी उटपटांग नेगेटिव चीज़ें डाल रहे थे मेरे उसमें. मैं डे वन से, मतलब जिस टाइम पे मैं, मेरे प्लांट्स जा रहे थे, मेरे को जो ट्रक वाले भैया हैं उनने भी बोल दिया था कि मैडम इतनी गर्मी हो रही है, इंसान झुलस जाएंगे, आपके प्लांट्स एक तो पैक हो जाता है वो पूरा, तीन प्लांट, इतने सारे प्लांट्स, तीन दिन में पानी नहीं मिलेगा उनको, वो ऐसे हो जाएंगे, वैसे हो जाएंगे. मैंने बोला भैया नहीं होंगे, जैसे यहाँ से जा रहे हैं मेरे को वो प्लांट्स वहाँ पर वैसे ही मिलेंगे. I was so sure and I put my positive energy इतनी ज़्यादा on that plants, बोल लो जो भी बोल लो, आप believe नहीं करोगे लोगों के plants इतनी गर्मी में मुंबई जैसी जगह पर या भोपाल जैसी जगह में normal जगह पर रखे रखे मुरझा जाते हैं, सूख रहे हैं. मेरे plants तीन दिन, कोई मैंने ऐसा कुछ नहीं कि paper से wrap करा है या गीले कपड़े से wrap किया, कुछ नहीं, normal जो container जो cardboard के sheets होते हैं ना उसके ऊपर बस मैंने plants रख दिए थे और ऐसे as it is वो तीन दिन में आए हैं. तुलसी, तुलसी जी एक दिन भी आप पानी नहीं डालते हो ना तो सर्वाइव नहीं कर पाती है गर्मियों में. मेरी तुलसी जी एकदम फ्रेश आई थी, मतलब एकदम फ्रेश, यू कांट, मतलब वी वर लाइक वाओ. मैं इतनी ज़्यादा खुश थी अपने प्लांट्स देख करके, मैंने बोला वाह यार, मतलब मज़ा आ गया. अच्छी, आपको ना कोई अच्छे साफ दिल से अपनी एनर्जीज किसी चीज़ में डालते हो ना, वो चीज़ आपको पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर देती है, मतलब मुझे ऐसा लगता है. मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी चीज़ को, किसी इंसान को भी या किसी सामान को भी या कोई काम करना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले भी ना आप वो चीज़ में टोक लगा दोगे, टोक बोलते हैं ना, टोक लगा देना या उसमें नेगेटिव थॉट दे देना, इट्स वेरी बैड. मतलब इंस्टेड ऑफ दैट स्टार्ट पुशिंग, सामने वाले को भी पुश करो, खुद को भी पुश करो और अपने एनवायरनमेंट को भी पुश करो पॉजिटिव चीज़ों से. इससे कंटिन्यू कर रही हूँ, जिस दिन मैं शूट कर रही थी क्यू एन ए वीडियो, उस दिन मेरे घर में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, कुछ मेंटेनेंस हो रहा था नीचे, सो आई थिंक 2 से 3 घंटा इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मैं पूरा चेंज वेंज करके बैठ गई हूँ. मैंने सोचा मैं नेक्स्ट फिर से शूट करके डाल दूंगी, अटैच कर दूंगी. तो कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जिसको हम आज लेते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर दिस हाउस, मिलते जुलते हु डिसाइडेड टू बाय दिस प्रॉपर्टी एंड डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर दिस हाउस. सो बेसिकली हु डिसाइडेड, मतलब हम दोनों को ही, हम दोनों ये सोच करके चल रहे थे कि जिस भी घर पे हमको मिलेगा, yes, दोनों की तरफ से, जैसे मुझे पसंद आ गया और विक्की को पसंद नहीं आया तो भी नहीं ले सकते, विक्की को पसंद आ गया मुझे पसंद नहीं आया तो भी नहीं ले सकते, बिकॉज दोनों का घर है, दोनों के मन को सैटिस्फाइड, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, पसंद आना चाहिए, दिल दिमाग सब चीज़ से पसंद आना चाहिए. तो दिस इज़ द होम जो हमको पसंद आया था. मेजर डिसाइडिंग फैक्टर इसका ये था, हमने बहुत सारे घर देखे थे, या तो हॉल बहुत बड़ा था तो बेडरूम छोटा था, किचन या तो छोटा, अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो किचन बहुत छोटा था. तो यहाँ पर हम लोगों को जो बेस्ट चीज़ लगी थी ना वो ये थी कि किचन बहुत बड़े साइज़ का है. हमने बहुत सारे घर देखे हैं, किचन इतना बड़ा बहुत कम घरों में ही अवेलेबल था जो हमारे प्राइस रेंज में आ रहा था. किचन और बेडरूम, मास्टर बेडरूम, ये एक डिसाइडिंग फैक्टर था. एक्चुअली यहाँ पर जो साइजेस अवेलेबल होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि आप किंग साइज बेड रख ही नहीं सकते, आपको क्वीन साइज बेड रखना पड़ता है, एंड देन वार्डरोब भी अगर रखा जाती है तो बहुत छोटा छोटा लगने लगता है रूम. सो इसका डिसाइडिंग फैक्टर एक तो मास्टर बेडरूम था और किचन था, दोनों का साइज हमको काफी अच्छा लगा था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर और सेल्फ डिजाइनिंग, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस यू फेस व्हाइल यू वर डिजाइनिंग योर होम. देखो यार, अगेन मैं यही बोलूंगी कि ये चीजें ना प्रायोरिटी एंड आप कि चॉइस क्या है. अगर मैं भी काम कर रही होती या मैं जॉब कर रही होती या मैं, मेरा भी कोई ऑफिस आवर्स होते तो मुझे नहीं लगता कि मैं इतना टाइम दे पाती ये सब करने में, क्योंकि मेरे पास एक ये था कि भाई मैं यूट्यूब कर रही हूँ जो कि घर से काम होता है और आई एम माई ओन बॉस, तो मैंने कभी भी वीडियो बनाना एक महीना जैसे ध्यान ही नहीं दिया बिल्कुल भी, तो यू नो उस वजह से मैं इतना भाग दौड़ कर पाई. रही बात प्रोफेशनल इंटीरियर डिज़ाइनर की, तो देखो अगर आपके पास बजट है और आपको लगता है आपको ये सब चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको घर रेडी मिलता है. दोनों के अपने अपने प्रोज हैं, दोनों के अपने अपने कॉन्स हैं. मेरे अंदर ये था कि यार, एक तो पहले मेरा मनी कॉन्स्टेंट था कि यार मैं अलग से, क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइनर इतनी मेहनत कर रहा है आपके घर के लिए, वो हर चीज़ आपको बना के ला के दे रहा है, भटक रहा है धूप में ये वो, तो वो ऑब्वियसली अपना मार्जिन लेगा ही लेगा, राइट. तो हमारा वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वो हमको देना नहीं था. और दूसरी चीज़, मेरा बहुत मन था कि मैं खुद ही इस घर को करूँ, विक्की और हम दोनों खुद ही करें, क्योंकि यार हम रेंट के घरों में रहते थे तब हम चीज़ें खुद करते थे, तो ये तो हमारा खुद का घर है, तो हम लोगों ने बड़े प्यार से चीज़ें खुद ही करना प्रेफर करा. एक एक लाइट, एक एक बल्ब मैं खुद जा जाके भटक भटक के लेकर के आई हूँ. सो ठीक है, एट दी एंड आज मैं, आज से मैं एक साल बाद, जैसे अभी एक महीने बाद भी मैं सोच रही हूँ तो मुझे लग रहा है यार वर्थ इट था. और अभी भी आज से शायद 1 साल 2 साल बाद जब भी मैं सोचूंगी तो मुझे लगेगा वर्थ इट है. उस टाइम मैं परेशान बहुत हो रही थी, बट ठीक है, एट दी एंड सब कुछ वर्थ इट था. चैलेंजेस क्या फेस हुए, तो डेफिनेटली बहुत गंदी भागा दौड़ी लगती है, मतलब बहुत ही गंदी. आपको छोटी छोटी चीज़ें लेने के लिए दौड़ना पड़ता है, कभी आप गलत ले आते हो फिर वापस से.
कभी उसमें पैसा ज्यादा भी लग जाता है, कभी डिपेंड करता है, तो आपको उसमें प्लानिंग बहुत तगड़ी करनी होती है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई यू चोज बिग नेम फॉर लिविंग. सो बेसिक और इसी से मिलता जुलता है सोसाइटी, बिग सोसाइटी प्रोज एंड कॉन्स एंड स्मॉल सोसाइटी प्रोज एंड कॉन्स. ये भी पर्सनल चॉइस है, बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक्स है. ये तीनों जो आंसर्स दिए ना, ये तीनों बहुत ही सब्जेक्टिव है. किसी के लिए बिग सोसाइटी में रहना कॉन्स होगा एंड किसी के लिए स्मॉल सोसाइटी में रहना कॉन्स होगा. तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है. मैंने अपने डिसाइडिंग फैक्टर्स आपको पहले जिसमें हमने घर सेलेक्ट किया था उसमें बता दिया था कि वाई वी चूज बिग नेम, बिग एरिया या अच्छा एरिया हमको इसलिए चूज करना था बिकॉज हम लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे थे. दिस इज वन ऑफ द पॉश एरिया ऑफ थाना. काफी सारे लोग जो थाने में रहते हैं दे कम हियर एंड चिल एंड ऑल एंड एवरीथिंग. तो हम लोग ना ऐसी बातें करते थे, मैंने कहा यार कहीं और भी ले लेंगे, एट द एंड आना तो यहीं है घूमने फिरने, क्योंकि यहाँ पर यू नो बहुत चिल करने के जोन्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छा मतलब द वाइब ऑफ दिस होल एरिया इज अमेजिंग. सो मैं तो बिल्कुल स्टक थी कि यार यही अच्छा लगता है, यहीं पे ही लेते हैं एंड ऑल दैट. सो वो डिपेंड करता है यार कि आपको किसी किसी का रिक्वायरमेंट होता है कि उनको अपने ऑफिस के पास घर चाहिए, किसी को होता है लोकल के स्टेशन के पास होना चाहिए. तो वो बहुत डिपेंड करता है, फिर वो आप वहाँ कॉम्प्रोमाइज करते हो अपने सोसाइटी सिलेक्शन में एंड ऑल. तो मतलब मैं वही बता रही हूँ कि टॉपिक बहुत सब्जेक्टिव है कि आपको बड़ी सोसाइटी में जाना है, छोटे सोसाइटी में जाना है, नाम के पास जाना है या नॉन ब्रांड के पास जाना है. टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. हर चीज़ बेस्ट है, बस अच्छे से देख समझ के लीजिए. मैंने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं. जो बजट वाला क्वेश्चन होने वाला है मेरे पास बहुत सारे, आई थिंक 35 क्वेश्चन सिर्फ बजट से रिलेटेड थे, तो वीडियो भी मैंने ना बना दिया है. जब मैंने एडिट कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा. तो जब तक आप मेरा, क्योंकि मैं ऐसे बता रही हूँ मैंने ये लाइट इतने की खरीदी, मैंने ये इतने की खरीदी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप सारा मेरा घर देख लोगे ना, उसके बाद जब मैं बजट वाला लाइव करूंगी तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. सो वो मैंने पूरा बनाया है, पॉइंट टू पॉइंट हर चीज बन चुका है. सो वो अलग से आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी. एट द एंड मैं यही बोलना चाहूंगी, आपको जहां बेस्ट लगता है आप वहां घर लीजिए, जहां आपको अच्छी वाइब आती है वहां घर लीजिए. जो चीज़ें आपको अपने घर में करवानी है वो चीज़ें करवाइए. ये आपका घर होने वाला है, आपको 24 घंटे वहाँ रहना है. जैसा चाहते हो आपके ड्रीम हाउस में जो जो चीज़ें होनी चाहिए बिल्कुल वो चीज़ें लगवाइए, बिंदास लगवाइए. मैंने अपने सिर्फ पॉइंट्स बताए हैं कि किस थॉट प्रोसेस से मैंने क्या काम करवाया और क्या नहीं करवाया. अगर आपको वो सही लगता है तो आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आपका मन अभी भी कहता है कि नहीं यार मुझे ऐसा करवाना है, तो बिल्कुल वैसा करवाओ, ये आपका घर है. यस, दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डू सो देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट डाउन बिलो. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय.